हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लर्निंग लिंक में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो अब स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग को जानना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक साथ कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट तैयार करे, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट तैयार करे, डेट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन जानना होगा। तो व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड अ न्यू प्रोडक्ट और कंपाउंड इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट या एटम एक साथ कंबाइन हो टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। किस चीज के लिए? एक नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, डेट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम लोग को इसका एग्जाम्पल जानना है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल होगा, जैसे इसके अगर हम बोले ना कि कंबाइन करेगा, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ए प्लस बी गिव्स ए बी। ये कैसे होगा? वेन टू और मोर कंपाउंड, तो मान लिया जाए कि एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ए बी फॉर्म करेगा। सेम इसी तरह H प्लस ओ टू गिव्स एच टू, सॉरी H प्लस ओ गिव्स एच टू। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे टू लगा देंगे। C plus O गिव्स CO2, तो यहां पे टू लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह Fe plus S, तो ये क्या हो जाएगा? FeS हो जाएगा। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो एक बार और मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या होता है? वेन टू और मोर देन टू कंपाउंड और एलिमेंट, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन हो और एक नया प्रोडक्ट तैयार करे, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट आपस में कंबाइन हो और एक नया प्रोडक्ट तैयार करे, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसे समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया ए प्लस बी गिव्स ए बी, एच प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ, सी प्लस गिव्स CO2, Fe प्लस S गिव्स FeS। अब देखिए इसे पहचानेंगे कैसे कि कहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो सिंपल है, देखिए रिएक्टेंट क्या क्या है और प्रोडक्ट क्या तैयार हो रहा है। क्या करना है मुझे? चेक करना है रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मिलता जुलता है, क्या है? अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मिलता जुलता है, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए A प्लस बी था तो ए बी था, जो जो रिएक्टेंट था वो सब आ गया प्रोडक्ट में। यहाँ पे सी एच प्लस ओ था तो एच टू ओ बना। ये भी क्या है? देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट ये दोनों और प्रोडक्ट यहाँ सी प्लस ओ सी ओ टू, तो ये क्या है? रिएक्टेंट जो था वही मिलकर मेरा प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसा अगर हम लोग कहीं भी देखें एग्जाम्पल, कहीं भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिखता है Fe प्लस F गिव्स FeS, इस टाइप का अगर कहीं भी आपको दिखता है, तो आप आंख बंद करके उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ये सब जान सके।